भैया और नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटी सी वीडियो में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कक्षा नौवीं की गणित, कक्षा नौवीं की गणित और अध्याय जो आपका 4 है। इस पार्ट का नाम है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इस अध्याय से सबसे मोस्ट क्वेश्चन बीआईबी क्वेश्चन कौन सा है, प्रश्न 14 है। इसमें के का मान ज्ञात कीजिए है, के का मान ज्ञात करने जबकि आपको एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1 समीकरण 2x प्लस के 3y बराबर k का एक हल है। तो ये दो मान दिया है मैंने x बराबर 2 y बराबर 1 इके हल हल। तो भैया जी इन्हें संतुष्ट करें मतलब खुश रखें तो अपन x को मान y को मान इनमें रख दें जो निकले सो k आते हैं, ठीक है। जहां पर x हो उधर x y हो तो वहां पर x y के मान रखते हैं और सीधे इन हल कर दें तो सीधे k को निकल आए, बचने को k ही बस बचे, बाकी x y तो भाग जाए। कैसे इनके मान है तो ये बैठ जाए जहाँ x और y हो तो बिठा दे भी इन्हें तो एक्स वाई भाग दे बचे आपको के बस तो के को ही मान हो जाए तो बच जाए आ जाए, ठीक है। तो भैया और वैसे लगाना तो भैया ये क्वेश्चन मोस्ट और जी आपको विकल्प के तौर पर दे देते हैं, साथ में विकल्प में भी आ जाए क्वेश्चन में भी आ सकता 3000 नंबर में भी दे सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है तो अच्छा ही लिखा। और आप ये है ना इस समीकरण के 4 हल ज्ञात करें 2 हल ज्ञात करें तो जे क्वेश्चन है जरूर इस अध्याय से लगाना। अगर त्रिमासिक परीक्षा में अच्छे नंबर तो आए तो इस अध्याय से दो समीकरण के 2 हल ज्ञात करें या 4 हल अलग अलग हल निकालें तो कोई बात नहीं निकाल देना, ठीक। आपको क्या करना है पहले लिखना है इसको बड़ा बनाने को, तो सबसे पहले इसमें अच्छे से लिखो दिया है, पहले लिखे दिया है समीकरण तो दिया समीकरण लिख दोगे, ठीक है। दिया समीकरण तो समीकरण कितना 2x प्लस के 3y बराबर के बराबर के है, इसको मान नाम दे दोगे समीकरण एक तो लिख देंगे समीकरण एक में x बराबर 2 और y बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर, या सीधे सीधे तुम जो लिख दोगे x बराबर चूंकि x बराबर 2 y बराबर 1 दिए गए समीकरण के हल है तो ऐसे लिख दो चूंकि x बराबर 2 और y बराबर 1 चूंकि x बराबर 2 y बराबर 1 दिए गए समीकरण के हल हैं, इसलिए जो चीज देखी वही हमें अपन ने इसलिए कहा जिस समीकरण के हल तो भैया ये संतुष्ट करें तो अपन रखते हैं जी मान दो इन्हें फिट करते हैं x और y की जगह रखते हैं तो इसलिए दो का x की जगह पर कहाँ रखेंगे, यहाँ पर गुणा रहता है, अगर गुणा रहेगा x की जगह पर कितना बैठाएंगे इसको x की जगह पर 2 को बैठाएं 2 बैठा देंगे प्लस जय करता ही और 3 जय करता ही 3 के गुणा वाई की जगह कितना बैठाना 1 बैठा दिया बराबर के जय करता ही तो इसका गुणा करोगे 2 2 4 आ जाएगा, इसका करोगे 3 1 3 आ जाएगा बराबर के जय करता है, 3 और 4 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा बराबर के, ठीक है। या लिख दो के बराबर कितना 7 तो आपका मान कितना गया अतः अभीष्ट के बराबर कितना गया 7 है जी, अतः हमें जरूर लिखना होता है बराबर के का मान पूछा था अतः अभीष्ट के बराबर कितना 7 आ गया है। बेस्ट क्वेश्चन है, छोटा सा है ये 3 नंबर है पक्का, 4 नंबर लायक तो है नहीं है 2 नंबर, इसलिए जी हमेशा विकल्प ही में स्वाद आता है, ज्यादा बड़ा है नहीं है लेकिन मोस्ट बहुत अच्छा है इस, और बना के भी दे सकते हैं ऐसे आपको दे दे कोई भी क्वेश्चन बना के दे दो अब आराम से लगा सकते हो, ठीक है। बस जो ना भी मान दे दें कि भैया जी के हल है तो वो में पटक देना रख देना बढ़िया जो निकलेगा वो भैया के का मान हो जाएगा, कछु भी मान दे दे चाहे की दे देते चाहे एल दे देते चाहे कौन ई बी सी डी के कछु भी देते हुए तो हो जाते हो, ठीक है। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद, जय श्री राम।